हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यानी इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे आपके। इस वीडियो में 10 प्रश्न उत्तर कराएंगे, यानी 10 प्रश्नों के उत्तर करोगे साथ में, और ये जो वीडियो है आपको कम से कम नहीं तो 10 से 15 अंक पक्के करा देगी इसमें, ठीक है ना। आपके कितने हो जाएंगे? 10 से 15 अंक पक्के होने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना, पूरा आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और स्क्रीनशॉट लेते रहना प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जालक बिंदु क्या है इसकी परिभाषा लिखनी है आपको, ठीक है। तो पेपर में आ जाता है तो आपको क्या लिखना है जालक बिंदु के लिए, कि क्रिस्टल जालक के आरेख में अवयवीकरण, अवयवीकरण समझते हो, जैसे कि आपका परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो किसी भी क्रिस्टल जालक में जो अणु हो या आपके परमाणु हो या आयन हो, उनको एक बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। क्लियर होगी बात? जैसे आपका NaCl बना दिया हमने, तो यहाँ पे Na लिख दिया और यहाँ पे Cl लिख दिया, तो ये जो बिंदु बनेंगे जालक बिंदु, यानी कोई भी चौखाना बन गया तो उसमें ये बिंदु हो जाएंगे, वही जालक बिंदु कहलाते हैं आपके, ठीक है। आपका समझ में आ गया क्वेश्चन पहला? तो पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, और जल्दी से याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि फार्मिक अम्ल जल में अत्यधिक विलेय है क्यों, ठीक है। फार्मिक अम्ल जल में अत्यधिक घुल जाता है, अत्यधिक विलेय है, ये क्यों होता है, इसका कारण बताना है आपको, ठीक है। तो आपका इसका कारण है, देखिएगा, फार्मिक अम्ल जल में अत्यधिक विलेय है, फार्मिक अम्ल जल में अत्यधिक विलेय है क्योंकि फार्मिक अम्ल क्या हो जाता है, जल से, जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है। आप ध्यान रख लेना, कोई भी चीज़ आ जाए कि वो जल में विलेय क्यों है, तो आप कह सकते हो कि वो जल में हाइड्रोजन बंध बना लेती है, ठीक है। क्लियर होगी बात? आपसे कोई पूछ ले कि फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है, HCOOH, ये फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, HCOOH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे जो फॉर्मूला है, आगे सवाल क्या है, क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय है क्यों। क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, ये जल में अविलेय है क्यों। तो आपको पता चल गई कि जो हाइड्रोजन बंध जो बनाता है वो जल में विलेय होता है, क्लोरोफॉर्म जल के साथ अविलेय है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसीलिए ये जल में अविलेय होता है। इसका दूसरा कारण लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय है क्योंकि यह एक कार्बनिक द्रव है, कार्बनिक द्रव मुख्य रूप से जल में अत्यधिक मात्रा में घुलते नहीं है, विलेय नहीं होते, ये बात ध्यान रख लेना आप, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है आपका, क्लोरोफॉर्म जल में अविलेय रहता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की परिभाषा दीजिए, ठीक है, विद्युत अपघटन को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना, को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे कि आपका NaCl है, विद्युत अपघट्य पदार्थ है ये, ठीक है, आपका KCl है, ठीक है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, अपनी गलित अवस्था या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्लियर है? जैसे NaCl है, ये आपका टूट के किसे बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका, संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण क्या होता है, ठीक है। तो संक्षारण को हमें बताना है कि संक्षारण होता क्या है, पांचवा प्रश्न है ये आपका। तो वह प्रक्रिया जिसमें धातु वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों के साथ क्रिया करके धातु की सतह पर यौगिक बना लेते हैं, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो उस पर क्या बन जाता है, जंग लग जाती है, तो इसलिए जंग लगना इसका उदाहरण हो गया, लोहे की सतह पर उसका Fe2O3 की परत का बनना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको देखो, गुरुमंत इंस्टीट्यूट का जो चैनल है इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है नए लोगों को, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको
बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है, तो इसको करते हैं हम। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जो जिनका या अणुओं की संख्या जिनका, तो जो मत लिखिएगा, इनका लिखिए, जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति, बोले तो गति में परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बात, ठीक है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो पहले मैंने अभिक्रिया की आणविकता लिखा है, दूसरी तरफ अभिक्रिया की कोटि लिखी है, तो इसमें अंतर क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी प्रश्नों का। तो इसका क्या है, अभिक्रिया की आणविकता सदैव धनात्मक यानी पूर्ण संख्या रहती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलेगी, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो भिन्न भी हो सकती है, जैसे 2/5, 1/5, 1/2, ये भिन्न संख्या भी हो सकती है। यह कभी शून्य नहीं हो सकती, क्यों, अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी शून्य नहीं होती है, लेकिन आणविक कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है। इसको हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, क्रियाविधि से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, जबकि जो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक संबंध बताने वाली एक समीकरण होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आगे बात कर लेते हैं हम। आगे है, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो ये बताना है आपको, पेप्टीकरण की क्रिया में उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, तो वह प्रक्रम जिसमें किसी कोलाइडी अवस्था के एक ताजे बने अवक्षेप में उचित मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक है, पेप्टीकरण क्या है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, दो प्रश्न और रह जाते हैं आपके, कि धातुमल क्या है, अपने नौवें प्रश्न पर, नौवें प्रश्न क्या है, धातुमल क्या है। तो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियाँ, जो गलने वाली जो ना अशुद्धियाँ होती हैं, उसमें हम क्या कर लेते हैं, गालक पदार्थ मिलाते हैं, तो वो क्रिया करके जो गलित पदार्थ बना लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो क्या लिखोगे, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियाँ गालक से अभिक्रिया करके जो गलित पदार्थ बनाती हैं, उसी को हम धातुमल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अगला जो लास्ट प्रश्न है कि कोई दो अयस्क के नाम तथा सूत्र लिखिए। तो देखो, मैंने बहुत अच्छे से देखो डिफाइन किया है कि आयरन के दो अयस्क, कॉपर के दो अयस्क, जिंक के दो अयस्क। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, तो देखो किस तरीके से आएगा। आयरन के दो अयस्क लिखिए, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं, Fe2O3, इनमें एक एक बढ़ा दीजिए, Fe3O4। ऐसे ही कॉपर के दो अयस्क हैं, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस, तो इसको Cu2O है, Cu2S, देखो फॉर्मूले भी एकदम ज़बरदस्त याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही जिंक, तो जिंकाइट और जिंक ब्लेंड, तो ZnO, ZnS, हो गए एक ही बार में याद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार देखोगे याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।